हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो बच्चे? चलो आज हम अपनी जीके की बुक से पढ़ते हैं। जीके की बुक, आपकी जीके की बुक कौन सी है? नो एंड ग्रो। नो एंड ग्रो, जानो और पढ़ो। चलो इसको आप ओपन करिए। पेज नंबर 3। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 3। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? अबाउट मी। अबाउट मतलब बारे में, मी मतलब मेरे, मेरे बारे में। क्या चैप्टर का नेम है आपके? फर्स्ट चैप्टर का क्या नेम है? अबाउट मी, मेरे बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड मतलब दोस्त और एस लगा है, तो हाय फ्रेंड्स मतलब हाय दोस्तों। माई नेम इज श्वेता, मेरा नाम श्वेता है। आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, मैं 5 वर्ष की हूँ। आई लिव इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु, मैं बेंगलुरु के शहर में रहती हूँ। आई लिव विथ माई पेरेंट्स एंड माई पेट डॉग, मैं अपने मम्मी पापा और मेरे पालतू कुत्ते के साथ रहती हूँ। समझ में आया? दोबारा से देखिए। हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों। माय नेम इज़ श्वेता, माय मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, इज़ मतलब है, श्वेता मीन्स एक लड़की का नाम है। मेरा नाम श्वेता है। आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, 5 मतलब 5, ईयर मतलब साल, मैं 5 वर्ष की हूँ। आई लिव इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु, लिव मतलब रहना होता है, सिटी मतलब शहर की, मैं बेंगलुरु शहर में रहती हूँ, बेंगलुरु के शहर में रहती हूँ। आई लिव विथ माई पेरेंट्स एंड माई पेट डॉग, मैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपने पालतू कुत्ते के साथ रहती हूँ। उसके बाद आप नीचे देखिए, नीचे एक्सरसाइज है। Would you like to be my friend? यदि आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, fill in the blanks to tell me about yourself. तो आप अपने बारे में इन खाली स्थानों में पढ़िए। तो आपका देखो बेटा, इसके नीचे लिखा है माई नेम इज़, उसके बाद लंबा सा डैश दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप अपना नेम फिल करेंगे। माई नेम इज़, तो आपका जो भी नेम होगा आप उसे फिल कर देंगे। फिर आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, तो फिर आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, जहाँ पर डैश है वहाँ पर आपको ये लिखना है कि आप कितने साल के हो। अगर आप 5 ईयर्स के हो तो आप वहाँ पर 5 लिखोगे, ठीक है। आई लिव इन द सिटी ऑफ, आप कौन से शहर में रहते हो? आप उस शहर का नेम लिख दोगे जिससे आप कौन से शहर में रहते हो। आप सुल्तानपुर के शहर में रहते हो ना, तो वहाँ पे आप वो फिल कर दोगे। आई लिव विथ, तो आई लिव विथ, आप किसके साथ रहते हो, तो आप वहाँ पर लिख दो उसे। आई स्टडी इन क्लास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप UKG क्लास में पढ़ते हैं, तो आप UKG लिख देंगे। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, आपके स्कूल का क्या नाम है वो आप लिख दोगे इसमें। फिर माई बर्थडे फॉल्स ऑन, आपका बर्थडे कब होता है? सभी बच्चों को पता होता है ना बर्थडे, तो आप अपना बर्थडे की अपनी डेट लिख दोगे। और उसके बाद लास्ट में पूछा है माई फादर्स नेम इज़, मेरे पिता का नाम है, आप अपने पापा का नाम लिख दोगे मिस्टर, उसके आगे जो भी आपके पापा का नाम है, ओके। फिर माई मदर्स नेम इज़ लास्ट है, तो आप उसमें अपनी मम्मी का नाम फिल कर दोगे मिसेज, उसके बाद जो भी आपकी मम्मी का नाम है आप वो फिल कर दोगे, ओके। इतना आपको करना ही करना है। आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, देख लीजिए। आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपका नाम लिखना है, फिर सेकंड लाइन में आपको अपनी एज लिखनी है, फिर आपको थर्ड लाइन में आपको आप किस सिटी में रहते हो वो लिखना है, फिर आप किसके साथ रहते हो वो लिखना है, उसके बाद आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो लिखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन दी है कि उसमें आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपनी बर्थ डेट लिखनी है,
उसके बाद आपको अपने पापा का नाम लिखना है, फिर लास्ट में आपको अपने मम्मी का नेम लिखना है। ओके बेटा, चल आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे कल मिलेंगे, बाय।